मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को साथ ला दिया है। शुक्रवार को प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने यादव परिवार की एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति आगे चाहे जैसी भी रहेगी, अब वो साथ ही रहेंगे। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद चाचा भतीजे में मतभेद की बात सामने आई थी, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोनों के बीच जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। जब अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को सपा का उम्मीदवार बनाया, तब शिवपाल ने खुलकर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। मौजूदा हालात में वो सपा के स्टार प्रचारक भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भतीजे अखिलेश यादव उनके पांव छूते हुए नजर आए थे। शिवपाल ने शुक्रवार को कहा कि अब जब बहू लड़ रही है तो हम एक हो गए हैं। सभी लोग कहते थे कि एक हो जाओ, अब हम लोग एक हो चुके हैं, अब एक ही रहेंगे। अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ हाँ, अब एक ही साथ रहेंगे। हमने तुम गवा रहे ना हमारी अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान जी साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा कि हम लोगों को एक दो चुनाव ही लड़ना है और उसके बाद लड़के ही चुनाव लड़ेंगे। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। शिवपाल ने जसवंत नगर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में वोट डालें।